जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को केदारनाथ यात्रा 2023 के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस वर्ष चार धाम यात्रा खोलने की तैयारियां इस समय जोरों से शुरू हो गई है एवं चारों धाम में बर्फ हटाने का काम एवं होटल धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसी के साथ मंदिर समिति की तरफ से यात्रा से जुड़ी नई नई गाइडलाइन एवं व्यवस्था जारी किए जा रहे हैं और हाल ही में सोमवार को दर्शन के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। दरअसल अब केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए यात्रियों को 300 रुपये का शुल्क देना होगा। आप सभी को बता दूं, पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन बंद थी, लेकिन इस बार इसे पुनः शुरू किया जा रहा है और जो लोग वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं उन्हें 300 रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन दोस्तों, आम श्रद्धालुओं के लिए इस समय दर्शन बिल्कुल मुफ्त है और जो लोग कतार में लगकर दर्शन करना चाहते हैं उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यह व्यवस्था सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए किया जा रहा है और उन्हें दर्शन के लिए 300 रुपये देना होगा। और दोस्तों, इसी के साथ केदारनाथ धाम में एक और बहुत ही बड़ा व्यवस्था किया गया है। पहले केदारनाथ धाम में हमेशा श्रद्धालु शिकायत करते थे कि मंदिर के भीतर शिवलिंग स्पर्श एवं दर्शन के लिए पंडित पुरोहित पैसों की मांग करते हैं और अगर उन्हें पैसे नहीं दिया जाए तो वो श्रद्धालुओं के साथ थोड़ा बदसलूकी भी करते हैं एवं दर्शन करने में उन्हें थोड़ी परेशानी भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मंदिर समिति की तरफ से इस बार साफ साफ कह दिया गया है कि इस बार आपको दर्शन के लिए किसी भी पंडित पुरोहित को कोई भी शुल्क या दान दक्षिणा नहीं देना होगा। अगर आप सभी चाहें तो स्वेच्छा से सिर्फ दान पेटी में ही दान दक्षिणा डाल सकते हैं और मंदिर के भीतर दर्शन के समय एवं पूजा के समय आपको कोई भी पंडित पुरोहित किसी भी दान दक्षिणा का मांग नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे अब श्रद्धालुओं में काफ़ी राहत आएगी, श्रद्धालुओं की थोड़ी कठिनाई कम होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार शिकायत का मौका बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, फिर भी अगर कोई पंडित पुरोहित श्रद्धालुओं से पैसे की मांग करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और मंदिर को मिलने वाली दान चढ़ावे की गिनती के लिए पारदर्शी व्यवस्था भी किया जा रहा है। इसके लिए दोनों धामों में पारदर्शी शीशे हट बनवाए जाएंगे जिन्हें CCTV कैमरा से लैस किया जाएगा। श्रद्धालुओं के दान दक्षिणा पर पूरी तरह मंदिर समिति की नज़र होगी और उनके पैसे को यात्रा में और भी सुविधाजनक कार्य करने के लिए खर्च किए जाएंगे। इससे केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में और भी सुविधा बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह सब व्यवस्था इस साल सफल रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।